अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक खालिद है और आप देख रहे हैं टेक मलिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, सऊदी अरेबिया में फ़्लाइट बंद और कर्फ्यू लगने का भी ख़तरा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, क्या अपडेट जारी हुआ है। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आएँ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्तों आपको डेली सऊदी अरेबिया की रिलेटेड जो है पक्की और सच्ची न्यूज़ जो है सबसे पहले मिलती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, आज से कुछ दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया में जो डेली बेसिस पर केस आ रहे थे वो 100 से भी कम केस थे। जी हाँ दोस्तों, 70, 80 या 50, 60, 90 इतने ही केसेस आ रहे थे कोविड-19 के। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में नए कोरोना को लेकर इसके अलावा दोस्तों केसेस जो है 250 पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब डेली बेस पर जो सऊदी अरेबिया में केसेस आ रहे हैं वो 250 केसेस आ रहे हैं। तो इस सूरत में सऊदी अरेबिया ने ये कहा है, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि हमने फ़्लाइटें तो सस्पेंड कर ही दी हैं, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा, आप लोग अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, ऐसे भीड़ लगा कर रुकेंगे, तो जिन जगह से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उन जगह पर फिर से जो है मिनी कर्फ्यू लॉकडाउन लगा सकते हैं। मिनी लॉकडाउन ऐसा होता है दोस्तों, जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, ड्यूटी टाइमिंग कम कर दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, और भी काफ़ी सारी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आप जितना हो सके आप अपनी एहतियात करें और कहीं भीड़ लगा कर जमा ना हो जाएं, क्योंकि अब इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और ऐसी बीमारी से बचा के रखे। और जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार लाजमी से किया करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।